हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल जीनियस एडु एकेडमी में। आज के इस वीडियो में हम लोग 2 सितंबर की करंट अफेयर पढ़ने जा रहे हैं, जो यूपी ट्रिपल एससी पैट एग्ज़ाम 2022 के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ में हम लोग स्टैटिक जीके के क्वेश्चन भी डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे पहले क्वेश्चन से। तो पहला क्वेश्चन है, विश्व नारियल दिवस कब मनाया? तो नारियल दिवस 2 सितंबर को मनाया जाता है। तो इसका सही आंसर होगा बी। अगर आपसे पूछा जाए कि राष्ट्रीय शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है, राष्ट्रीय शिक्षक दिवस मनाया जाता है 5 सितंबर को, टीचर्स डे मनाते हैं हम लोग 5 सितंबर को। अगर आपसे पूछे अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है, तो साक्षरता दिवस मनाते हैं 8 सितंबर को मनाते हैं। अगर पूछा जाए हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, तो जैसा कि हम लोग सब लोग जानते हैं कि हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाते हैं, 14 सितंबर को। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व ओजोन संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? तो ओजोन संरक्षण दिवस 16 सितंबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में वाइल्ड लाइफ ट्रस्ट ऑफ इंडिया ने किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में वेल शार्क बचाओ अभियान शुरू किया है? तो यहाँ पे हमसे पूछा गया, हाल ही में वाइल्ड लाइफ ट्रस्ट ऑफ इंडिया ने किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में वेल शार्क बचाओ अभियान शुरू किया है? तो वेल शार्क बचाओ अभियान कर्नाटक, केरल, लक्षद्वीप उपयुक्त सभी राज्यों में शुरू हुआ है। अगर आपसे पूछा जाए राष्ट्रीय डुगोन संरक्षण केंद्र कहाँ है, तो डुगोन समुद्री गाय को कहते हैं। जो डुगोन संरक्षण केंद्र है वो तमिलनाडु में है। राष्ट्रीय डुगोन संरक्षण केंद्र तमिलनाडु में है। अगर पूछा जाए मलाबार तट किस राज्य के तट को मलाबार तट कहते हैं, तो मलाबार तट केरल राज्य के तट को मलाबार तट कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय तटरक्षक बल ने कहाँ पे 10वें राष्ट्रीय समुद्री खोज और बचाव अभ्यास SAREX 2022 का आयोजन किया है? तो 10वें राष्ट्रीय समुद्री खोज और बचाव अभ्यास SAREX 2020 का आयोजन चेन्नई में किया गया है। और अगर आपसे पूछा जाए हाल ही में शतरंज ओलंपियाड का आयोजन कहाँ किया है, तो 44 नंबर के 44वें नंबर का शतरंज ओलंपियाड का आयोजन चेन्नई में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत ने श्रीलंका को कौन सा समुद्री निगरानी विमान दिया है? तो भारत ने श्रीलंका को डॉर्नियर 228 समुद्री निगरानी विमान दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेमन मैग्सेसे पुरस्कार, जिसे एशिया का नोबल भी कहते हैं, 2022 में किस एक को नहीं दिया गया है? यानी कि इसमें पूछा है किस एक व्यक्ति को रेमन मैग्सेसे पुरस्कार 2022 नहीं दिया गया है। तो तदाशी को भी दिया गया है, बेनेट मैट्रेट को भी दिया गया और गैरी को भी दिया गया। सिर्फ दिनी है, ये ऐसे व्यक्ति हैं जिन्हें पुरस्कार नहीं दिया गया। तो इसका सही आंसर होगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में रिलायंस इंडस्ट्री ने कहाँ पर भारत का पहला और दुनिया का सबसे बड़ा कार्बन फाइबर प्लांट बनाने की घोषणा की है? तो दुनिया का सबसे बड़ा कार्बन फाइबर प्लांट बनाने की घोषणा की है रिलायंस इंडस्ट्री ने, कहाँ पे बनाने की घोषणा की है? इसका सही आंसर है हजीरा गुजरात में भारत का पहला और विश्व दुनिया का सबसे बड़ा कार्बन फाइबर प्लांट बनाने की घोषणा की गई है। हाल ही में चर्चा में रहा हिनाम नोर क्या है? तो हिनाम नो एक प्रकार का तूफान है। ये तूफान का नाम है जो कि कहाँ पे आया है, जो कि चाइना में आया है, चीन में आया है, जापान और ताइवान
चीन, जापान, ताइवान को इसने बुरी तरह से प्रभावित किया है। तो हिनामनोर एक प्रकार का तूफान है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी फार्मा कंपनी भारत का पहला सर्वाइकल कैंसर वैक्सीन लॉन्च करेगी? तो इसका सही आंसर है सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया भारत का पहला सर्वाइकल कैंसर वैक्सीन लॉन्च करने जा रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 सितंबर 2022 को किसने आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग की महानिदेशक का कार्यभार संभाला है? तो आकाशवाणी के महानिदेशक बनी है डॉक्टर वसुधा गुप्ता। बी आंसर इसका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 31 अगस्त 2022 को किस राज्य और केंद्र शासित प्रदेश ने अपना पहला मॉडल वर्चुअल स्कूल शुरू किया है? तो दिल्ली सरकार ने अपना पहला मॉडल वर्चुअल स्कूल शुरू किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय रेलवे किस राज्य के रेलवे स्टेशनों पर हवा से पानी बनाने की मशीन मेघदूत स्थापित की जाएगी? तो हवा से पानी बनाने वाली मशीन मेघदूत को महाराष्ट्र रेलवे स्टेशन में, इसका सही आंसर है सी, महाराष्ट्र रेलवे स्टेशन में हवा से पानी बनाने की मशीन स्थापित। अगर आपसे पूछा जाए गंगेटी डॉल्फिन को कब राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया गया, तो पाँच अक्टूबर 2009 को गंगेट्री डॉल्फिन को राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया गया था, इसीलिए 5 अक्टूबर को डॉल्फिन डे मनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय डॉल्फिन संरक्षण केंद्र कहाँ पर स्थापित किया गया है? तो डॉल्फिन संरक्षण केंद्र पटना बिहार में स्थापित किया गया। डॉल्फिन संरक्षण केंद्र अगर हमसे पूछा जाए तो हम लोग क्या आंसर देंगे, पटना बिहार।